Ja, și apoi ea cu băgea. Nu am mai borte bis rucha da ste bis to dum. Jab usko giriftar kiya to wo aapke saath soya hua tha. Haan. Haan. Acha acha acha. Godam se borte da ste bis to do rucha bis to se me rucha aate loga che adalat ta. Adalat ta dar rucha le mante ke dar rucha ma go dar rucha baaz hai. Godam chu chokkar mara pisi achhi hi daate na. एक पीसी आत गोड़ा अदालत आते मारा बहन माँ ब्रात दोस्त सोता मुलाकात आ पीसी दस पड़ा गोड़ा दुम्मी रोचा सिंमिया जाते अदालत ते तो का जाते ये कौन है ये मेरे सने मेरा छोटा भाई है ये कब से गायब है ये 1/10/2022 में 2022 से यानी कि दो साल से गायब है 16 महीना हो गया 16 महीने हो गए तो इसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ आपका अभी तीन महीना हो गया मुझे रब्ता किया है किसने किया है ये मेरा भाई ने किया है वो उस नंबर पे उसने जो पकड़ा है जो एजेंसी वाले ने किसने पकड़ा है एजेंसी ने पकड़ा है पहले तो बीएनपी ने पकड़ा है हाँ। फिर दी एजेंसी ने दे दिया अच्छा तो फिर उसने आपसे फोन पे बात की हाँ जी फोन पे बात की मीर हुसैन ने आपसे फोन पे बात की हाँ वो जिंदा था हाँ जिंदा था 3 महीना हो गया तो ये जो तहसील रुझान में आपने पुलिस को नहीं बताया पुलिस को पता नहीं बीएनपी तो पता है उसने पकड़ के उसने दे दिया है अस्सलाम वालेकुम जी मैं मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ मैं ज़िला खुजदार नाल से ताल्लुक़ रखता हूँ ये मेरा भाई 11 साल से लापता है कराची लक्की नादरा भाई पास से और हम इसके तलाश में निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं शायद मिल जाए हमारा एक दूसरा चाचा दादा भाई सारे हम नाल में कत्ल हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर या कोई बंदा कह रहा है ये सारा प्राइवेट एजेंसी हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है कोई हम पे सबूत करे कोई कसूर तो फिर भी हमें सज़ा मिले सही है बिना सबूत पे हम पे इतना जुल्म हो रहा है हमारे लोग जा रहे हैं बंदे जा रहे हैं हम परेशान हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस्लामाबाद तक पहुँचे ये हमारा मजबूरी है हम इधर आए हैं और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में कामयाब हुए हैं कि हमने अपना पैगाम पाकिस्तान के आम शहरी को पहुँचा वो आम शहरी जिसको सिर्फ बलोचिस्तान या बलोचों के नाम पर सिर्फ नफरत ही फैलाई गई थी कि बलोच जो है ना नफरत आमेज लोग हैं इनसे नफरत ही किया जाए और ये दूसरे मुल्कों के एजेंट्स हैं तो मुझे बहुत इस चीज़ में मुझे खुशी होती है कि इन माओ के पास जो है ना इस्लामाबाद से और सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं अहमदाबाद से कराची से कश्मीर से सब आकर इनके साथ बैठते हैं और ये उस दर्द को महसूस करते हैं जो किसी नेशनलिटी की मोहताज नहीं है किसी मजहब की मोहताज है किसी बार्डर की मोहताज है ये कहना दुरुस्त है कि लापता अफराद के लवाकिन का जो दुख है उसने पूरे पाकिस्तान के मजलूमों को मुत्तहिद कर दिया बिल्कुल उसने पूरे पाकिस्तान के हर मजलूम को मसला अलग हो सकता है मतलब यहाँ ईसाई भी आते हैं उनका मसला अलग है शिया भी आते हैं उनका मसला अलग है लेकिन एक चीज़ है जो तकलीफ है जब खानदान के शख्स को 17-17 सालों तक अगवा करते वो तकलीफ वो इमोशंस वो जज्बात जब वो इन औरतों को देखते हैं कि सर्दी में कौन बैठता है वो इंतज़ार जो इनको यहाँ बैठने पर मजबूर कर रही है इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़कर आए हैं पीछे कोई कमाने वाला नहीं है नहीं हम बैठे हुए ऐसा भी ऐसी भी यहाँ पे औरत है जो गवादर से आई है उसकी 6 माह की बच्ची है वो गवादर छोड़ कर आई है अपने भाई के लिए अस्सलाम वालेकुम मैं लाफता बुलंद करीम की बहन मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे पसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था उस वक्त मेरे भाई को उम्र 16 साल था वो मेट्रिक के स्टूडेंट थे हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी पसनी के थाने में दर्ज किए क्वेटा और गवादर कमिश्नर के सामने भी पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे अभी भी 16 तारीख को GIT के सामने पीशी हो रही है ग्वादर में और 22 तारीख को कमिश्नर के सामने क्वेटा पीशी हो रही है हम हर महीने पीशी देते रहते हैं लेकिन फिर भी वो मेरे भाई को बाजी अब नहीं करते हैं विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से वॉलंटियर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी छोड़ा हुआ है इस मकसद के लिए कि वो अपने खानदान वाले फिर से पाए तो जैसे अब्दुल नबी है वो अभी तीसरी जमात की इंग्लिश वर्क बुक करेगा और बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कौन कहाँ पे पहुँचा हुआ है मैंने आपको बलूचिस्तान से आई हुई औरतों बच्चों बुजुर्गों और कुछ जवानों से आपकी मुलाकात करवाई है जो यहाँ पे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर